में 13 मार्च को प्रदेश कांग्रेस के द्वारा राजभवन को प्रदेश कांग्रेस के द्वारा राजभवन घेरने के लिए आगरा से सैकड़ों कांग्रेसी जन लखनऊ कूच करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर आयोजित केंद्र की जन विरोधी सरकार के खिलाफ विशाल विरोध मार्च प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में राजभवन तक निकाला जाएगा। इसकी तैयारियों के संबंध में एक आवश्यक बैठक कांग्रेसी कार्यकाल आगरा कलेक्ट्रेट पर जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश सचिव आगरा जनपद प्रभारी शरद उपाध्याय नंदा जी उपस्थित रहे। सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी जिला आगरा, आज किस तरह की बैठक की गई, क्या निर्णय लिए गए? बैठक में जो 13 तारीख को आगरा में हमारे लखनऊ में राजभवन घेरा, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और उनको यह बताया जाएगा कि देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से मनमाने तरीके से गरीबों का खून चूसकर अपने दो व्यापारी भाइयों को पेट भरा जा रहा है और उनको नवधनाट्य घोषित किया जा रहा है, हम राजभवन का घेराव करेंगे। राष्ट्रपति के जो ज्ञापन होगा राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। क्या उद्देश्य है घेराव का, क्या उद्देश्य है, क्या चाह रहे हैं? घेराव का सीधा सीधा उद्देश्य है कि जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म के तहत अदानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग ने जब अदानी के खिलाफ बोला, बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट दी कि इस तरह से देश में हो रहा है तो बीबीसी के सभी ठिकानों पर तो छापा डाला जा सकता है ईडीसीबीआई का, लेकिन अदानी के यहाँ आज सीबीआई का एक कांस्टेबल भी नहीं पहुंचा है। ये साफ साफ जाहिर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में लूट कर खाई मलाई मोदी अदानी भाई भाई, ये दोनों भाई भाई हैं और ये मोदी जी देश के धन को लूटकर अदानी से संबंध, राहुल जी ने हमारे ने कहा था सदन में कि केवल मुझे इतना बता दिया जाए कि मोदी जी का अदानी से संबंध क्या है, नहीं बता पाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, अपने पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी बात यकायक नवधनाट्य हुए अदानी पर टिप्पणी करते हैं तो वो टिप्पणी ये क्यों कही जाती है कि ये देश का अपमान है।